मिस्टर रॉबी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मिस्टर रॉबी, आई हैव अपलोडेड टू कोर्सेस टुमारो, डे ऑफ टुमारो। ओके नाउ ओनली। ओके हेलो। राइट सर, राइट। ओके एंड दैट वंद्रा मैडम हस्बैंड सम एक्सीडेंट टुडे इवनिंग, आई थिंक टुडे और टुमारो सम क्लासेस आर देयर, ही कैंसल आवर क्लासेस प्लीज सर, 4 o'clock टाइम। ओके ओके, बिकॉज़ शी इज नॉट एबल टू टेक। थैंक यू। Good morning to all. Good morning. Good morning. Good morning, Vishaka. Good morning, Poonam. Good morning, Nagina. Mona Chauhan, Namrata, Anchal, Archana. Good morning. Students gone. Pinky, good morning. Gayatri, good morning. Gayatri, आप day attend कर रहे हैं? मैं देखा नहीं आपको। Swetha, good morning. Vidhi, good morning. Manasi, good morning. Prem Shankar ji, Anchal, Mubina, good morning. Good morning to all of you. Another 2 minutes. Mr. Dinesh, good morning. कैमरा वा लैपटॉप कैमरा, इनबिल्ट कैमरा। ओके लेट मी स्टार्ट मिस्टर रवि। यस सर। ओके थैंक यू मच पूजा। गुड मॉर्निंग पूजा। नाउ टुडेज क्लास इज ए यूनिट नंबर 9 एक्चुअली। इधर में क्या है, ज्यादा मिक्स कर दिए लोग। मिक्स मींस ज्यादा सिलेबस लेके आया, सिलेबस कवर करने के लिए एक चैप्टर में इधर में 2-3 चीज मिक्स करके कर दिया। फिर भी ये वाला कुछ कुछ पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट आपको एज इंस्ट्रक्टर, आप लोग का मेंटर क्या है, काउंसिलिंग क्या है, देन एथिक्स मॉरल्स, देन इंटरव्यू का मीन सी कैसे लिखेंगे, ये वाला मैं इंटरव्यू टेक्निक में बोला पर ज्यादा नहीं दिया उधर में। तो ये वाला आप लोग का मेन पर्सनल लाइफ में यूज होता है, फिर भी ये इधर में यूज होता है मेन क्लास में एज इंस्ट्रक्टर आप लोग को चाहिए चाहिए ना। थैंक यू थैंक यू। ठीक है लेट मी स्टार्ट। एडमिट करो शिवनारायण। ओके काउंसलिंग एंड मेंटरिंग, पहले आपका मेंटरिंग क्या है, काउंसलिंग क्या है, हमको समझ में आना चाहिए। सी काउंसलिंग इज अ प्रोविजन ऑफ प्रोफेशनल असिस्टेंट्स, काउंसिल बोलता है काउंसलर्स, प्रोफेशनल असिस्टेंट एंड गाइडेंस इन रिजॉल्विंग पर्सनल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। कंसल्टेंट्स बोलता है कंसल्टेंट, सपोज हम लोग कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हो गया, अभी पूरा स्वामी जी पूरा कंसल्टेंट हो गया, खेतों में ज्यादा स्वामी जी है ना, हमको कुछ प्रॉब्लम होगा उधर जाएंगे हम लोग। काउंसलिंग में सपोज आप लोग का प्रोफेशनल में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, एग्जाम्पल में एग्जाम लिख रहा है, हमका जॉब नहीं मिल रहा है प्लस हम लोग का एग्जाम में थोड़ा फेल हो रहा हूँ और कुछ सब्जेक्ट में समझ में नहीं आ रहा हूँ और डल साइकोलॉजिकल पर्सनल प्रॉब्लम में थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम में इश्यू हो रहा है, ये टाइम क्या करते हैं हम लोग का कुछ आदमी का बात करते हैं। इट मे बी फादर मदर रिलेटिव हस्बैंड वाइफ और सिस्टर ब्रदर्स, कुछ लोगों का सिस्टर ब्रदर्स भी आता है, कुछ लोग को बाहर जाके कंसल्टेंट्स कुछ बैठता है, कंसल्टेंट्स उन लोग का जाके काउंसलिंग करता है। एग्जाम मोस्टली एडवोकेट्स में केसेस ऐसे बात करते हैं लोग। सिमिलरली साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स हैं, अभी स्वामी जी ज्यादा है, सो ये वाला बोलते काउंसलिंग बोलता है। काउंसलिंग मीन्स ए गाइडेंस, आपका पर्सनल प्रॉब्लम साइकोलॉजी प्रॉब्लम गाइडेंस। एग्जाम्पल साइकोलॉजी में आपका बनी प्रॉब्लम आ रहा है, ज्यादा बनी प्रॉब्लम आ रहा है, मैं कंसल जाके कैसे सॉल्व करेंगे वो वाला आइडिया देगा, ऐसे कर बोलेगा लाइक आइटर्स ऐसा। सिमिलरली आपका हेल्थ प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ आदमी बोलेगा आप मंदिर जाओ बोलता है, कुछ आदमी जाके इधर जाए बोलता है, कुछ आदमी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बोलता है, कुछ आदमी
एलोपैथी बोलता है, कुछ आदमी समथिंग डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी बोलता है नेचुरोपैथी. सो ये वाला थोड़ा काउंसलिंग बोलता है. ये हमारा इंस्टीट्यूट में, आईटी इंस्टीट्यूट में कुछ कुछ बच्चों लोग का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, अच्छा नहीं पढ़ रहे हैं, उनका बोल के आप इसमें बैठ के काउंसिल करते हैं, कैसे करना ऐसे करना एडवाइस करते हैं. ये काउंसलिंग है, काउंसलिंग मीन्स ये एडवाइजरी बॉडी और काउंसलिंग. कुछ प्रोफेशन में पैसे लेकर काउंसिल करता है, कुछ लोग जस्ट लाइक काउंसिल करते हैं. व्हाट इज मेंटरिंग? Mentoring is a collaborative, mutual beneficial partnership between a mentor who possesses greater skills, knowledge and experience and a protege means a student or a personal learner who want to increase their skills and knowledge experience. A mentoring thoda high level hai. As a principal, main dono mein kar raha hu, counseling kar raha hu, mentoring kar raha hu. Mentoring mein abhi tak kuch aadmi nahi aaya. तो कभी से बोलते हैं आप ऐसा पढ़ो, कैसे एग्जाम लिखेंगे, कैसा सीईटी करेंगे, कैसा आईबीएम में आएंगे, कैसा हमें अप्लाई करेंगे. अभी कुछ आदमी बोला ना पीएम के कैसे करेंगे, हमारा ममता यादव आया पीएम के कैसे शुरू करेंगे, ऐसा ये वाला काउंसलिंग बोलता है. मेंटरिंग मीन्स एग्जाम्पल, हमका एक 2-3 मेंटर्स है मेरे लाइफ में 2-3 मेंटर्स, उनका देखे मैं डेवलप कर दिया. पहले एक मूवी देखा मैं, बालाचंद्र तमिल मूवी, कमला सुनील होता. वो एक्चुअली क्या करता है, वो मूवी का कॉन्सेप्ट है मानव सेवा माधव सेवा बोलता है. मीन्स इफ यू हेल्प पीपल, हेल्प मीन ह्यूमन बींग हेल्प करो, ऑटोमेटिकली भगवान आपका हेल्प करेगा. ये कॉन्सेप्ट ऐसे है, ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है. वो एक विलेज चेंज करता है. उनका पहले मेरा आइडिया सोशल सर्विस में नहीं आया हमको, उनका पूरा काम करके मनी परचेज करके बड़ा बड़ा होना चाहिए ऐसा. उनका बाद में ये ह्यूमैनिटी आ गया हमको, ह्यूमैनिटी मीन्स कैसे हेल्प कर सकते हैं ह्यूमन बींग को, कैसे हेल्प करेंगे. कुछ अभी आप लोग का मैं कुछ ही हेल्प कर सकता है, एटलीस्ट आपका गाइड कर रहे हैं, ये न्यू बुक के लिए लेके आपका क्लास ले रहा है. मैं क्लास नहीं लेंगे आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा. ये हमको मिनी स्टूडेंट्स 300 बच्चों का अटेंड कर रहे हैं, एटलीस्ट मिनिमम 50-60-50 स्टूडेंट्स हमको पर्सनल मैसेज दे रहे हैं. वो लोग का एडवाइस कर रहा है क्या करेंगे, ऐसा कैसे करेंगे. वो लोग हमको सोच रहे हैं मेंटर बोल के. सिमिलरली मेरा बचपन में 2-3 टीचर्स था, वो हमारा मेंटर्स है. मेरा गुरु जी बोलते रामचंद्र राव सर, अभी वो लेटर अभी यहाँ से ले लिया, हमारा डिप्यूटी हेड था, वो बुक लिखने का टाइम में वो हमारा मेंटर है. एग्जाम्पल परिहार सर, हमारा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, वो बहुत हेल्पिंग नेचर है उनका. देखे कुछ सिमिलरली आपका एग्जाम्पल देंगे, ये एकलव्य मालूम आपका, एकलव्य द्रोणाचार्य. द्रोणाचार्य मेंटर एंड काउंसिल फॉर द पांडवास कौरवास. एकलव्य उनका फोटो लेके वो प्रैक्टिस कर दिया, दैट मीन्स वो गुरु थिंक कर दिया, मेंटरिंग हो गया उनको. मेंटर द्रोणाचार्य उनका मेंटर है. सिमिलरली एक आदमी को पॉलिटिकल लीडर आ दो, स्वामी विवेकानंद हमारा मेंटर है, स्वामी विवेकानंद देखे हम लोग कैसे करेंगे. ऐसे एक आदमी थिंक करके आप लोग काम कर रहे हैं ना, डेवलप कर रहे हैं ना, ये भी मेंटर बोलता है. एग्जाम क्रिकेट कोच बोलता है. वो बोला काउंसिलिंग करता है. कुछ लोग मेंटरिंग करता है. एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर आएगा, हम लोग पसंद करता है तेंदुलकर, अच्छे बैट्समैन है. वो बोलने के टाइम में हम लोग बहुत अच्छे सुनते हैं, दैट मीन्स रेस्पेक्ट हाई एंड. ये मेंटरिंग इज थोड़ा हाई एंड है, काउंसलिंग छोटा है. मेंटरिंग काउंसलिंग ओनली टेम्पररी, मे बी 2-3 बार जाके काउंसिल करते बाहर आएगा. ये मेंटरिंग लाइफ लॉन्ग और आपका डेवलपमेंट का तक, ये वाला आपका मेंटरिंग बोलता है. ठीक है, सो आपको वही ये सब्जेक्ट आप लोग चाहिए. यू शुड बी, हम लोग टीचर्स क्लास आने के बाद में हम लोग काउंसिलिंग करना है, मेंटरिंग करना है. क्लास केवल क्लास लेके बाहर नहीं जाना है. मैं मेंटर हूँ मेरा स्टूडेंट के लिए. मेंटर का मीन पर्सनल में प्रॉब्लम सॉल्व करना है, सब क्या करेंगे कैसे करेंगे, मेंटर करना है, काउंसिल करना है. ये नॉट ओनली टीचर, हम लोग का बच्चों लोग का मेंटर होना चाहिए, वो लोग रोल मॉडल होना चाहिए. बाबू सर अच्छा आदमी, रोल मॉडल होना चाहिए. सो रोल मॉडल होगा वो ऑटोमेटिक डेवलप कर सकता है. ये जरा जस्ट ये मीनिंग होगा, मीनिंग आप में आएगा, मोस्ट क्वेश्चन में आएगा, मीनिंग देखना आप लोग बस. सो क्या डिफरेंट है मेंटरिंग को काउंसिलिंग को? टॉपिक ऑफ कन्वर्जेशन, सो बेसिक कंपारिजेशन, काउंसलिंग एंड मेंटरिंग, ये दोनों में एक ही है. इधर में एनी लाइफ स्ट्रगल दैट कुड बी बेनिफिट फ्रॉम काउंसलिंग कुड आल्सो बेनिफिट फ्रॉम द मेंटरिंग. सो गुड फिट कैन बी फाउंड. दैट मींस मेरा लाइफ में मैं कैसे आया, एग्जाम्पल इंजीनियरिंग कौन है, बोला बाबू इंजीनियरिंग करो पढ़ के. मैं आईटी पढ़ के आया ना, कुछ आदमी बोला इंजीनियर पढ़ेगा आपका थोड़ा लाइफ होता है, चाहता है. बाद में सरकारी जॉब, मेरा पापा का फ्रेंड है रामा अंकल बोल के, मैं वो टाइम में सॉफ्टवेयर कट गया इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद में. सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो टाइम बहुत पीक है ना सॉफ्टवेयर, यूएसए पूरा C++ सी में. वो टाइम वो बोला गवर्नमेंट अप्लाई करो बाबू, अच्छा है आपको ऐसे ऐसे सरकारी ज़्यादा फैसिलिटी मिलता है, ऐसा कुछ एडवाइस कर दिया. मैं एप्लीकेशन मेरे पापा लेकर साइन कर दिया. सो ये क्या हो रहा है,
वो टाइम में कुछ लोग का अनकंफर्टेबल टाइम में हम लोग का क्या करता है, कुछ लोग एडवाइस करते हैं हमको, काउंसिल करते हैं। अभी कुछ आदमी मेरे पास आ गए, क्या करेंगे सब बोलो खत्म होने का बाद में। एक लड़का लड़की का भैया बोला, उनका मैसेज दे दिया बिहार से, वो बोला मैं इंजीनियरिंग पढ़ के आया सर, मैं क्या करेंगे मैकेनिकल इंजीनियर क्या करेंगे, उनको मैं एडवाइस दे दिया। अगर कुछ कुछ लोग बोलते कैसे कैसे करेंगे, ये वाला बोलता है ये काउंसलिंग कर सकते हैं, मेंटरिंग कर सकते हैं, मेंटर्स कर सकते हैं, काउंसलर कर सकते हैं, दोनों में ये कॉमन है। क्वालिटी ऑफ इंपैक्ट, इट इज नॉट दैट मेंटर आर मोर इफेक्टिव देन काउंसलर। कुछ टाइम में मेंटर बहुत इफेक्ट है, कुछ टाइम में काउंसलर इफेक्ट, ऐसा नहीं कर सकता है। सो डिपेंड अपॉन सिचुएशन है। कुछ टाइम काउंसलिंग में अच्छे काउंसलर्स मिलते हैं आपको, अच्छे एडवाइस देते हैं। अभी मेरे पास आके सर मेरा क्या ट्रेड पड़ेगी बोलता है हमको कुछ बारे में चलो मैं बोलेगा CATs, जनाद भी बोला CATs करेंगे क्या होता है। CATs प्रैक्टिकली हम लोग का ज्यादा वैकेंसी है इंडिया में इंस्ट्रक्टर को लिए, बट आपको क्या है ये स्टैग्नेंट पॉइंट नहीं है, ज्यादा प्राइवेट ATs आपका सैलरी नहीं दे रहा है, सरकारी में ज्यादा जॉब नहीं है, जॉब होगा अभी एम्प्लॉयमेंट का ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। सो आप लोग को बोलना पड़ेगा, ट्रूथ बोलना पड़ेगा। आप CAT पढ़कर, मेरा पर्सनल मेरा ITI के CAT पढ़कर जाए ऐसे नहीं बोलना है, फैसिलिटीज बोलना है। सेकंड नहीं, आपको क्या कर सकता है ये एडवांस मीन CATs पढ़ने के बाद में आप लोग ज्यादा प्रिपरेशन कर सकते हैं, शुरू कर सकता है ओन इंस्टीट्यूट लाइक PMKK और ओन इंस्टीट्यूट शुरू कर सकते हैं, और विलेज जाके सोशल सर्विस कर सकते हैं, एग्जाम्पल ड्रेस मेकिंग और दूसरा कुछ प्लस सरकारी जॉब SSC UPSC ऐसा कर सकते हैं। ये पूरा हम लोग कर सकते हैं, ये काउंसलिंग कर सकते हैं, मेंटरिंग कर सकते हैं। ओके आप लोग कैसा, हमारा स्टूडेंट्स है शिवानी और सविता, वो लोग गवर्नमेंट का ट्राई कर रहे हैं ज्यादा, उनको मैं एडवाइस कर सकता है कैसे करेंगे ऐसा। तो ये वाला क्या बोलता है, वेरी इफेक्टिव नॉन इफेक्टिव, समटाइम नॉन इफेक्टिव, मैं एडवाइस कर रहा है बट वो टाइम एडवाइस करता है बट आप लोग नहीं सुनता है ना, कुछ टाइम वो ईजी नहीं होता है। तो मीन्स मैं क्या बोलेगा आपको सुनेगा, समटाइम में फेल होता है ना, आप UPSC ट्राई करो SSC ट्राई करो, आप बहुत अच्छा ट्राई किया नहीं मिला, बाबू साहब बोला इसलिए मेरा लाइफ खत्म हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। सो समटाइम प्लस एंड माइनस होता है, ये वाला इम्पैक्ट बोलता है। Types of relationship. Counseling is a formal relationship. As a principal, as a student, मैं counsel करता हूँ उनको. As a principal, as a student. Mentor is a informal relationship. Mentor, exam, मेरा students, maximum students, उनका personal relation में मेरे maintain करता है. तभी personal life में कैसे improve करेगा, मेरा बेटी कैसे ऐसा improve करेगा, मेरा बच्चा अभी बच्चे लोग मद्रास में बेंगलुरु में अभी तक हमका टच है, वो लोग बोलता है कैसे करेंगे क्या करेंगे ऐसे बोलते हैं, उन लोग का मैं मेंटर, वो लोग हमको बोलता है आप लेजेंड बोलता है हमको। तो उनका मैं ज्यादा पर्सनल में कैसे करेंगे एडवाइस करके, वो अभी तक हमका मैं कुछ बोलेगा सुनता है वो लोग, सो ये वाला बोलता है मेंटरिंग बोलता है। उनका काउंसलिंग एज ए प्रिंसिपल एज ए टीचर काउंसिल कर सकता है, उधर में क्या एक साल में या दो साल में खत्म होने के बाद में पूरा लाइफ लॉन्ग उनका मैं एडवाइस कर रहा ना मेंटरिंग, लाइक माई फादर माई गुरु जी ऐसा मेंटरिंग बोलता है। ड्यूरेशन इज शॉर्ट टाइम, ये वाला शॉर्ट टाइम काउंसलिंग, ये वाला लॉन्ग टाइम बोला लॉन्ग टाइम में। फोकस ऑन रिलेशनशिप, काउंसलिंग टेंड्स टू बी मोर प्रॉब्लम फोकस्ड, काउंसलिंग प्रॉब्लम फोकस्ड, मेंटरिंग इज मोर होलिस्टिक, मेंटरिंग मींस जनरल व्यू ऐसा करो भाई ऐसा करो बोलते हैं, काउंसलर मींस एग्जैक्टली सर मैं अभी UPSC में पास होना चाहिए, कंसल्टेंट में मैं आके सर हमका SSC में पास होना चाहिए, मेरे पास आएगा मैं बोलेगा आपको क्या करेंगे इमीडिएट सोल्यूशन, SSC में क्या प्रिपेयर करना है भैया, कैसे प्रिपेयर करना है, एप्टीट्यूड टेस्ट कैसे है, रीजनिंग कैसे करना है, आप एक कोचिंग से एग्जाम्पल मेरा UPSC का IAS प्रिपेयर करना, मैं बोलेगा आप जाइए दिल्ली में जाइए, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है, इधर में ये कुछ नाम भूल गया मैं, वो कोचिंग सेंटर IAS कोचिंग सेंटर, एक साल का ट्रेनिंग चलता है, उधर जाइए आपका 90% मिल जाएगा, उधर जाने का मोस्ट सक्सेसफुल होता है। ये वाला फोकस एग्जाम्पल प्रॉब्लम ओरिएंटेड, सर आपका नौकरी चाहिए क्या करेंगे इमीडिएटली सोल्यूशन एंड प्रॉब्लम ओरिएंटेड। ये मेंटर इज लॉन्ग ओवरऑल, मैं ऐसे कर सकता है ऐसे करो बिजनेस करो ये करो और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करो, हम लोग बोल रहे हैं ये ऐसे बोलता है, ये जनरल आपका आइडिया है, आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में टेबल लेके आया। देन बेसिक एडवाइस, यू वैल्यू द एडवाइस ऑफ ए काउंसलर बिकॉज ऑफ देयर ट्रेनिंग एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन सिमिलर सिचुएशंस विद हुम दे हैव वर्कड। सपोज आई एम ए काउंसलर, मेरे पास ज्यादा आदमी आएगा, क्यों आएगा, मेरा स्टूडेंट बहुत आदमी को बच्चा अच्छा डेवलपमेंट कर दिया, मेरा स्टूडेंट ज्यादा आदमी को नौकरी मिल गया, तो क्या करता है बाबू साहब का काउंसलिंग अच्छा है उनको ज्यादा नौकरी मिली, एग्जाम हम लोग का एडवोकेट जा रहा है, एक एडवोकेट बहुत सक्सेसफुल एडवोकेट है, ज्यादा ज्यादा केस सक्सेस हो गया, हम लोग क्या करता है उधर जाता है ना बिकॉज वो ज्यादा सक्सेसफुल था। सिमिलरली डॉक्टर है बहुत अच्छा डॉक्टर है उधर पास हम लोग जाता है बिकॉज सक्सेसफुल डॉक्टर था। सो काउंसिल मीन्स ये ज्यादा उनका एडवाइस बिकॉज उनका ज्यादा सिचुएशन एक्सपीरियंस हो गया इसलिए उधर जाते हैं हम लोग। देन सिमिलरली
the value of advice of the mentor because of their character. The mentor mein character hota hai. Character means a personal example. Mera character, mera mentors hai, wo real heroes hai unko. Wo kya bolenge main sunega. कुछ बोलेगा मैं सुनेगा लेकिन हम पॉलिटिकल लीडर्स बोलता है तो मे बी आपको एक्स वाई जेड नाम बोल सकते नहीं बोल रहे हैं वो लोग आपका लाइफ लाइन का उनका बोलता है रेस्पेक्ट करते हैं एग्जाम सिनेमा हीरोज वो भी रजनीकांत चिरंजीवी और ये वाला होता है वो लोग क्या बोलेंगे सुनते हैं लोग सो ये वाला आपका मेंटर्स बोलते हैं रोल मॉडल्स और मेंटर्स बोलते हैं वो प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में दोनों में मिक्स होता है प्रोफेशनल बोलते हैं फैमिली बोलते हैं पर्सनल ये वाला बोलते हैं ये वाला काउंसलिंग ओनली फॉर पॉइंट एग्जैक्टली पॉइंट क्या कर रहा है क्या करेगा क्या चाहिए वो आपका सोल्यूशन देगा Cost counseling is the most settings requires some form of compensation because it is a vacation of the counselor. Counselor का rate होता है, हमका एक rate है। ये rate दो भैया, आपको 2000 दो, 3000 दो, consultant से ऐसे लेता है। But whereas mentoring में पैसा नहीं है, मेरा गुरुजी हमको पैसा नहीं दे रहा है हमको, मैं ऐसे भगवान का पढ़ रहा है, गुरुजी, वो advice देते हमको। So ये लोग का mentor से ये वाला पैसा नहीं चाहिए। Easy of access, you can get a referral to counselor. Example. कुछ आदमी सर आपका कैसे जाएंगे ये जाए उधर का उधर में एक ट्रेनिंग सेंटर है उधर जाके पढ़ो आपका जॉब मिल जाएगा मैं बोल सकता हूँ आपको ये कॉलेज जो अच्छा कॉलेज है ये इंस्टीट्यूट आईटीआई अच्छा है ये वाला बोलता है काउंसलर काउंसलिंग बोलता है इट इज हार्डर टू फाइंड ए मेंटर मेंटर इज जनरली वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड मेंटर मींस वो हार्ड टचिंग होना चाहिए ना काउंसलर यार कुछ पैसे देके करता है मेंटर मींस हार्ड टचिंग मीन उनका पर्सनल मीन विद हार्ट एडवाइस करना है वो लोग मिलेगा वेरी डिफिकल्ट है दिस मे बी बिगेस्ट रीजन वाई पीपल लाइक टू परस्यू काउंसलिंग जनरली आदमी काउंसलिंग जाता है मेंटर को नहीं जाता है मेंटर का आदमी ज्यादा आदमी ऐसा नहीं मिलता आपको इजी में इफ यू वेट अंटिल क्राइसिस सीड्स इट विल बी इम्प्रैक्टिकल टू ट्राई आइडेंटिफाई ए गुड मेंटर सो इमरजेंसी में हम लोग का क्रिटिकल में अभी पैसा नहीं है मेंटर हमें नहीं मिलता है सो इमरजेंसी में मेंटर नहीं कर सकता है ये वाला मैं काउंसलिंग में जाना पड़ेगा फाइंडिंग ए मेंटर टेंड्स टू बी इधर प्रिवेंटिव केयर बिफोर क्राइसिस और आफ्टर केयर मेंटर में क्राइसिस में मेंटर में चेक करता हम लोग ट्राई करते हैं और आफ्टर प्रिवेंटिंग क्राइसिस खत्म होने के बाद में हम लोग जाते हैं ये ज़्यादा जनरली आपको मीनिंग के लिए मैं एक्सप्लेन किया जस्ट ए पॉइंट मेंटर का है काउंसिल का है आपका कर सकता है ओके नाउ ग्रीवेंसेस ये वाला इंपॉर्टेंट है ग्रीवेंसेस चाहिए मीन्स अभी हम लोग का इंस्टीट्यूट में ग्रीवेंसेस कैसे हैं ग्रीवेंस ए रियल और इमेज कॉज ऑफ कंप्लेंट मीन्स कंप्लेंट सर मेरा हॉस्टल में खाना अच्छा नहीं है क्वालिटी अच्छा नहीं है रूम सफा नहीं कर रहा है रूम में पानी नहीं आ रहा है ये कंप्लेंट बोलते हैं करंट नहीं है मेरा भी रूम में करंट नहीं है कुछ फैन नहीं चल रहा है कुछ लाइट नहीं चल रहा है चार्जिंग नहीं चल रहा है ये वाला कंप्लेंट ग्रीवेंस बोलते हैं ये स्पेशल अनफेयर ट्रीटमेंट ट्रेनिंग ग्रीवेंसेस कैन बी सॉल्व टू आइडेंटिफाई इट काउंसलिंग अंडर प्रॉपर मोटिवेशन वो आएगा मैं बोलेगा देखेंगे बोलेगा मैं नहीं कर रहा है सब मेरा स्टूडेंट दो तीन स्टूडेंट मेरा क्लोज है उनका हेल्प कर रहा है दूसरा बच्चे को मैं हेल्प नहीं कर रहा है वो लोग बोलेगा बाद में बोलेगा कंप्लेंट सर हेल्प कर रहा है एक बच्चे को हेल्प कर रहा है हमको नहीं कर रहा है समझ में है ना एक बच्चे का हेल्प कर रहा है एक टीम का हेल्प कर रहा है दूसरा अभी कंप्लेंट चल रहा है कुछ बच्चा लोग बोलेगा सर उनका हेल्प कर रहा है आपको हमका नहीं हेल्प करता है बोलते हैं ना कुछ केसेस में सो ये वाला ग्रीवेंस बोलते हैं ग्रीवेंस सब लोग का इक्वल पढ़ना है करना है मेरा पर्सनल में मेरा स्टाफ सब लोग मेरा ट्रेनी सब लोग मेरा ओन मैं ओन उनका ओन फैमिली ऐसे देखता है इक्वल देखते हैं कुछ ये वाला बड़ा ये वाला छोटा ऐसा नहीं सब लोग का एक ही है सब टाइम मिस करता है कुछ लोग बोल नहीं बोल सकता कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होता है कुछ लोग बोलेगा मैं 100% उनका हेल्प करेंगे ग्रीवेंसेस में तीन टाइप है ये फैक्चुअल इमेजिनरी ये डिस्केस फैक्चुअल बोलता है फैक्चुअल मीन्स क्या है ओरिजिनल रियल फैक्ट यस करंट नहीं है उधर में पानी नहीं आ रहा है खाना अच्छा नहीं दे रहा है ये वाला फैक्चुअल इमेजिनरी मीन्स क्या है ये खाना अच्छा दे रहा है एग्जाम्पल 10 आदमी खा रहा है एग्जाम में साउथ इंडियन है आप लोग नॉर्थ हैं आप लोग ईस्ट इंडियन इसमें कलकत्ता साइड कुछ लोग पंजाबी साइड सो क्या हो रहा है खाना एक ही करना सब लोग का नहीं पसंद है मैं कहा नॉर्थ इंडियन खाना आपका नहीं इंटरेस्ट है ना मैं साउथ इंडियन में ज्यादा लाइक करता हूँ सबका ये साउथ इंडियन नहीं मिलेगा मैं क्या क्या खाना देगा हमका अच्छा नहीं बोलता है अच्छा नहीं बोलता है कुछ लोग क्या होता है उनका एग्जाम्पल दाल में थिक चाहिए कुछ लोग ज्यादा चपाती खाता है कुछ लोग ज्यादा राइस हम लोग ज्यादा राइस खाता है सो ये वाला क्या होता है ये वाला हमारा थिंकिंग इमेज रही ये वाला ज्यादा नॉर्थ इंडियन कर रहा है इमेज मिस हम लोग का ओरिजिनल क्या हो गया हमको समझ में आ रहा है असम्पशंस में करता है ओके ये वाला टिक है अच्छा लड़की है ये टिक बोल रहे हैं ये वाला अच्छा नहीं है टिक नहीं बोल रहे हैं ये वाला इमेजरी थिंकिंग इमेजरी ग्रीवेंसेस
Distribution means actually a company total overall, my group or a company में सब लोग आके आपका बात कर रहे हैं, मैं complaint ये वाला ये gang complaint हो रहा है, ये वाला discussion बोलते हैं. Exam meaning आपको बोलेंगे discussion में, तो नहीं है इसमें, ये मैं ही दिया, मैं आपको थोड़ा बाद में बोलेंगे. So तीन type of grievances हैं, क्या हैं? Fact उज्ज्वल grievances में fact क्या हैं? Then imagery, simply image करके ये वाला ऐसा साइबर example मैं बोल रहा हूँ, सांग का कुछ आदमी का transfer promotion दे रहा है, हमका नहीं दे रहा है, imagination. So facts mean get the fact, RTA में लेके fact ले लो, बाद में आपका explain कर सकते हैं, ठीक है? Now there are three types of individual grievances, group grievances and policy union grievances. Individual grievances में example एक लड़की बोल के सर हमका problem आ रहा है, हमका health problem है, हमका पढ़ने का problem है, मैं हमका eyes problem आ रहा है, मैं पढ़ नहीं पढ़ सकता है. एक से मेरे पास मोबाइल में चार्ज नहीं हो रहा है, मोबाइल में विलेज में इंटरनेट कनेक्शन नहीं आ रहा है, मैं कैसे आपका मीन सब असाइनमेंट सबमिट कर सकता है? ये पर्सनल इंडिविजुअल ग्रीवेंसेस. ये ग्रुप ऑफ ग्रीवेंसेस क्या है? हॉस्टल में खाना अच्छा नहीं है, ये ग्रुप. और एक ट्रेड, सर मेरा ट्रेड में टीचर क्लास नहीं ले रहे हैं. और एक जगह सर मेरा रूम में हमारा हॉस्टल में पानी नहीं आ रहा है, ये वाला ग्रुप ग्रीवेंसेस बोलता है, ग्रुप बोलेगा. Then policy or union grievances means policy means company policy. मैं अभी क्या बोला, अभी कोविड में आपका ट्रेनिंग ने ऑनलाइन में चल रहा है, ये पॉलिसी हो गया. सी पूरा इंडिया में ऑनलाइन में चल रहा है, इंक्लूडिंग स्कूल कॉलेज आईटी सब लगे अपने. सो ये वाला बोल रहा है, ये वाला एक्चुअली कुछ मीन प्लस और माइनस सब जगह में है. मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला पॉलिसी है grievances. ज्यादा आदमी बोलेगा सर आपका मोबाइल का इंटरनेट प्रॉब्लम आ रहा है, मैं क्या करेंगे, ज्यादा कंप्लेंट है, स्पेशली कुछ कुछ स्टेट में कंप्लेंट है. सेकंड थिंग, ये मोबाइल में आप लोग का ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है, छोटा मोबाइल में आप नहीं दे सकता है, सब जगह सब आदमी के पास कंप्यूटर नहीं मिलता है, ये वाला. सिमिलरली कंपनी में नया रूल आया, कल से कंपनी में यूनिफॉर्म लेके आना चाहिए, हम लोग यूनिफॉर्म का इंटरेस्ट नहीं है. एग्जाम्पल, सब लोग आपको 8 बजे आना चाहिए, सब लोग का बस मैं रेडी कर रहा हूँ, बस में आना चाहिए, सब लोग कैंटीन में खाना पड़ेगा, ये वाला बोलता है. ओके, what happened, any message came Ravi? No sir, no. Okay, some message came, you all stopped. Okay, ye wala policy or union means associations, ye log bolta hai, ye three type of grievances bolta hai. Now process of grievances, process means kaise grievance karenge. Intermediate stage, organization stage, third party, sorry party part nahi, third party meditation, sorry mediation. So pehle kya, intermediate means hum log solve kar sakte hain. Then institute में, total institute में solve कर सकते हैं. Third part, example हमारा कुछ class में class problem आ रहा है, बच्चों का झगड़ा हो रहा है, एक class teacher solve करेगा, ये वाला intermediate stage है. Then उनका बाद में वो लोग नहीं कर रहे हैं, बाद में principal साथ आया, principal एक committee बनकर दो तीन training अवसर बढ़ के हम लोग बात कर रहा हूँ, ये वाला organization stage, institute stage. Then institute में solve नहीं कर रहा है, third party, बाहर से एक advocate बुला के, एक police बुला के, सर आपका problem आ रहा है, आप solve करें बोलेगा, third party. पुलिस एडवोकेट और सम पोलिटिकल लीडर्स, सम अगर हमारा विलेज में होता है ना, पंचायत बोलता है, पंचायत ऐसा थर्ड पार्टी. सो पहले इंटरमीडिएट में हम लोग ट्राई करने का, सॉल्व करने का ट्राई करना है, नहीं होगा विद इन ऑर्गेनाइजेशन और आईटीआई का अंदर में इंस्टीट्यूट में आप लोग सॉल्व करना है, नहीं होगा बाहर से आदमी बोल के सॉल्व करना है. ये तीन डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रीवेंसेस हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. रिमेंबर दैट दे हैव की पॉइंट्स ऑफ गुड ग्रीवेंसेस प्रोसेस. हम लोग कैसे गुड ग्रीवेंस कर सकते हैं? रेस्पॉन्सिवनेस, वो क्या होगा रेस्पॉन्स, अब क्या बोलेगा समझ में, उनका पास सुनो ना क्या बोल रहा है, वो तीन आदमी बोल रहे हैं उनका समझ में क्या बोल रहा है, वो उनका उनका थिंकिंग क्या है, दो आदमी की थिंकिंग है, दो रेस्पॉन्स में आप लेना पड़ेगा. मैं एक से ही नहीं जा सकता है, ये क्या कर रहा है, दोनों में से ये क्या कर रहा है, ये क्या हो गया, उनका क्या हो गया, समझ में आना चाहिए आपको, सुनना पड़ेगा उनका, सुनना पड़ेगा. ये चाय आया मैं भूल गया, आई एम टेकिंग टी, यू डोंट माइंड, आई टेकिंग. देन ट्रांसपेरेंसी, ओपन टाइप, मैं उनका पास ठीक है, वो लड़की लोग अच्छा नहीं है, उधर जाके ये लड़की लोग अच्छा नहीं है, बात करना, ट्रांसपेरेंसी मीन ओपन में करना है. सॉरी ओपन में करना है. थर्ड इज इम्पार्शियल एंड अबव ऑल कमिटमेंट अनकवरिंग डिफिकल्ट ट्रूथ. कमिटेड आदमी चाहिए, ट्रूथ में अनकवरिंग ट्रूथ, कुछ आदमी झूठ बोलता है उनका समझ में नहीं आएगा, ये कैसे लेके आएंगे, भारत भी नहीं चाहिए, पुलिस नहीं चाहिए. सो ट्रूथ ओरिजिनलिटी हम लोग का डिस्कस करके, थर्ड विटनेस लेके और दो तीन आदमी का पकड़ के क्या हो रहा है समझ में आने के बाद में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. इम्पार्शियलिटी,
हमको पार्शियल नहीं करना, ये लड़का अच्छा है लड़का ऐसा ही करना है, ट्रूथ लेना है, ये वाला इम्पार्शियल। थ्री टाइप ऑफ ग्रीवेंसेस बोलते हैं हम लोग, मीन कैसे सॉल्व करेंगे। We all know that we should do an ideal world. That means, real world में हम लोग कैसे करेंगे? Establish a nature of grievances under issue properly. पहले एक grievances में क्या है, क्या complaint आ रहा है हमको, ये पहले हमको सुनना पड़ेगा, think करना पड़ेगा। Arrange a formal meeting as quickly as possible to carry out any necessary investigation required. पहले एक small meeting करके कुछ आदमी बुला के, कुछ चार पांच भी कमेटी करके, अब देखो क्या हो रहा है, आपका गलत कर दिया, आपका मैं पनिशमेंट कर रहा है। ये लोग हमारा कोर्ट केस है, कोर्ट केसेस ऑलमोस्ट कोर्ट केस कैसे हम लोग इंडिविजुअल में आईटी कर सकते हैं, विलेज में पंचायत करता है ना ऐसे करता है, ये वाला आपका कैसे करेंगे बोल रहे हैं, प्रोसेस कैसे करेंगे। The do's and undo's in the 1 minute grievances handling. क्या क्या करना है, do's पहले करना है, बाद में undo's करेंगे। क्या क्या करना है, deal with difficult conversations. So पहले आप लोग difficult conversation means difficult बात कर रहे हैं, वो time में आप लोग का deal करना है, mean difficult means shouting, fighting का time में हम लोग कैसे deal करेंगे। Get some time aside, read the grievances fully. पहले आप लोग सुनो क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं वो पूरा डिटेल सुन के, दूसरा थिंक करके क्या होता है थिंक करना है। मेक ए लिस्ट ऑफ विटनेस, आई विटनेसेस, एनी विटनेसेस टू द इश्यू दैट हैव बीन रेज्ड। कुछ विटनेस लेके क्या हो गया, समझ में आया, अब बोलो, अब बोलो, ऐसा बोलना पड़ेगा। कंपाइल ए टर्म्स ऑफ रेफरेंस, मीन्स कुछ रेफर कर सकते हैं, एडवोकेट करता है ना, रूल नंबर सो एंड सो, बुक नंबर सो एंड सो, ऐसा रेफर कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट दोस्ट हू विल नीड टू स्पोकन एज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। सो कुछ लोग इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में कुछ आदमी का बात कराएगा, थर्ड पार्टी की बात करेगा, वो लोग आपका बात कर सकते हैं। एक्सप्लेन एज पर एज पॉसिबल वाई एंड इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्रोसेस, क्यों चाहिए, क्या चाहिए, एक्सप्लेन करना है। रिमेंबर डोंट मिस आउट एनी इश्यू, कुछ इश्यू में मिस नहीं करना है, ये वाला आप लोग का क्यों आया, ये सिलेबस सब्जेक्ट है, ये वाला एडवोकेट का सब्जेक्ट है, क्लास में कुछ होता है बच्चों लोग को, आप लोग सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं, ये वाला प्रोसेस आपका जस्ट रिमेंबर करो बस, ओके। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये वाला मतलब मोस्टली ये वाला कोर्ट से काउंसिल से ये वाला करता है, ठीक है। डोंट डू, डोंट्स, कुछ नहीं करना, रश डिस नहीं लेना इमीडिएटली, वो बोल रहा है ओ पनिश करो उनको, ऐसे नहीं करना, पहले उनका पास सुनो, उनका पास सुनो, उनका पास सुनो, ये बोला सर वो कर रहा है ऐसा, ओके बोला क्या उनका पनिशमेंट दे दो, ऐसे रश नहीं करना है, आराम से करना है। डोंट चेरी पिक द लेस डिफिकल्ट पॉइंट्स, सो यू हैव टू फाइंड वेरी सेंसिबल पॉइंट, थोड़ा छोटा छोटा पॉइंट पकड़ के आपका डिसीजन में डिसीजन नहीं ले रहा है, ये वाला डोंट डू ऐसा बोलता है। नाउ लेट अस सी मोरल, मोरल, ये मोरल इज अ लेसन लर्न फ्रॉम ए स्टोरी, मोरल, ठीक है, MORL, हम लोग बचपन में बुक पढ़ के मोरल बोलता है, नीचे मोरल, ये वाला मोरल है, और स्टोरी लेके ये मोरल के मीनिंग एथिकल मीन्स एथिक्स बोलता है, विच आई विल कम लेटर। सो ये वाला इतनी बुक पढ़ने के बाद में ये होना चाहिए, धर्मज अच्छा होना चाहिए, ये वाला हम लोग एथिक्स बोलते हैं और मॉरल बोलते हैं। हम लोग नेक्स्ट मॉरल ले रहे हैं, मॉरल्स आर द स्टैंडर्ड्स सम अडॉप्ट्स डिटरमाइन द राइट फ्रॉम द रॉन्ग, इट मीन्स मॉरल पढ़ के ये वाला कहीं नहीं करना, ये वाला करना, ये अच्छा होना चाहिए, ये बैड है, ये गुड है, ये वाला मॉरल्स होता है। ये दूसरा मॉरल विच हम लोग डील कर रहे हैं, मॉरल मीन्स मेंटल और इमोशनल स्टेट और स्पिरिचुअल और स्पिरिट और एटीट्यूड, मेंटल स्टेज इमोशनल स्टेज, ये मोरलाइज अलग है एथिक्स से, ये मोरलाइज मेरा मेंटल स्टेज कैसा है, मेरे एथिक्स कैसे करेंगे सही, मेरे एटीट्यूड कैसे होना चाहिए, मेरा स्पिरिचुअल कैसे होना चाहिए, मेंटल इमोशनल स्टेट बोलते हैं वाला, मेंटल इमोशनल स्टेट, ओके। बूस्टिंग ऑफ मॉरल, ये वाला सब्जेक्ट आपका मेन सब्जेक्ट है एज पर सिलेबस। द अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस फेल्ट बाई ए पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पीपल especially when a dangerous difficult situation comes, generally fighting mein hota hai, fighting mein Hitler World War mein aur abhi COVID mein boosting, mental boosting aur exam time mein mental boosting aur job karne ka time mental boosting, so ye kya ho raha hai, a amount of confidence, main kya kar raha hai, mera bachi log ko, mera student ko mental boost kar raha hu main,
एग्जाम का कुछ नहीं है, ऐसा पढ़ो ऐसा पढ़ो बोल के, मेंटल बूस्टिंग कुछ नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है ऐसे बोल के, पर्सन वन एक सिंगल पर्सन को और ग्रुप ऑफ पर्सन को, स्पेशली वन डेंजर एग्जाम पॉइंट, एग्जाम आ रहा है आपका क्लास नहीं चल रहा है, एग्जाम कैसे लिखेंगे कैसे मार्क्स लेंगे, डिफिकल्ट सिचुएशन। सिमिलरली वॉर आ रहा है उनका कैसे मोटिवेट करेंगे, कुछ पर्सनल इकोनॉमिक एग्जाम मर गया, पापा मर गया और कुछ मर गया, वो टाइम हम लोग का कैसे कॉन्फिडेंस लेके आएंगे, ये बूस्टिंग मॉरल होता है। ए कपल ऑफ विक्टरीज वुड इम्प्रूव द टीम्स मॉरल। सपोज कुछ कुछ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मेरा बच्चे लोग कर दिया क्या, मास कर दिया अराउंड 4000 मास कर दिया, उनका कॉन्फिडेंस आ गया, बूस्ट आ गया, इंडिया पूरा उनका फोटो देख रहा है, इंडिया पूरा उनका प्रेज कर रहा है, ये वाला बोलता है विक्ट्री बोलते हैं। सिमिलरली मैं एग्जाम लिखा 70% आ गया, विक्ट्री, अच्छा विक्ट्री। ये एग्जाम में बिजनेस कर रहे हैं, हमका पैसा मिल गया, विक्ट्री। हमारा एक स्टूडेंट है विशाखा बोल के, एक दिन हम लोग एग्जीबिशन कर दिया, वो एक नेकलेस हैंडमेड नेकलेस कुछ कर दिया, वो अच्छा अच्छा मीन पेयर्स करके बहुत अच्छा कर दिया। एग्जीबिशन में कुछ आदमी परचेस कर दिया 300-350 ऐसे करके, वो दिन उनका फेस देखना मैं कितना हैप्पी है, सर आई सोल्ड इट सर, क्या है ये विक्ट्री उनको, मैं ऐसे करेंगे बाहर में मेरे सेल कर सकता है, बाहर आदमी मेरे पास ले सकता है, वो कॉन्फिडेंस आएगा, मॉरल बूस्टिंग बोलता है वो, उनका मॉरल बूस्टिंग आया, मैं करने के बाद में मैं सेल कर दिया, हमका मिल गया ये वाला 300 रुपये मिल गया, कुछ आदमी ड्रेस सेल कर दिया 1000 रुपये मिल गया, ये वाला आपका मॉरल बूस्टिंग होता है, विक्ट्री हो गया आपका, सब विक्ट्रीज आना चाहिए। ओके, देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ जॉब लॉसेस रिसेंटली, सो मॉरल इज फेयरली लो। एग्जाम्पल मेरा कंपनी, कंपनी लॉस हो रहा है, जहाँ आदमी जा रहा है बाहर जा रहा है, सो अभी क्या हो रहा है, मीन्स मॉरल फेल है, ये कंपनी में ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों जाना पड़ेगा। अभी बैंक का खोल देखो, बैंक कुछ बैंक बंद कर दिया, कुछ बैंक कुछ बैंक लॉस आ गया, हम लोग बैंक जाकर डर रहे हैं अभी, क्यों है मॉरल, बैंक जाएंगे आपका पैसा नहीं मिलेगा, ये वाला लॉस, आप लोग का मॉरल बूस्ट नहीं आएगा, लॉस पहले आपका प्लस सेकंड माइनस, ये वाला बूस्टिंग ऑफ मॉरल। देन एथिक्स, एथिक्स इज अदर मॉरल, इट इज अ सिंपलेस्ट एथिक्स इन अ सिस्टम मॉरल प्रिंसिपल्स। मेरा एथिक्स हॉनेस्ट, आई शुड नॉट टेक मनी एट एनी कॉस्ट, पैसा मैं नहीं लेंगे, 27 ईयर्स अभी तक हमको 26 प्लस गवर्नमेंट सर्विस, नो करप्शन, मेरा एथिक्स है, मेरा पापा बोला ग्रैंड पापा बोला। सेकंड थिंग सिंसियरिटी, हार्ड वर्किंग, मेरा काम अच्छा करना है, ये वाला डेडिकेशन, ये पूरा मॉरल प्रिंसिपल। कैसे हमको, मैं बुक ने मेरा पढ़ा ना है, इंजीनियरिंग में नहीं पढ़ा, ये वाला फैमिली से लेकर आया, पूर फैमिली से आया हमको, मैं कल मैडम को बोला पूर फैमिली से 5 चिल्ड्रन में बड़ा है, हार्ड वर्किंग में आया, सबका ये वाला एथिक्स मिल गया, ये कैसे करेंगे, ऐसे ही हमका पूर का बहुत पूरा आदमी आएगा हमको हेल्प करना ट्राई करते हैं, एथिक्स मॉरल्स में आया। एथिक्स इज कंसर्न विद द फॉर गुड आर इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एंड ऑल्सो डिस्टर्ब मॉरल फिलोसफी। सोसाइटी लिखे में क्या करेंगे, पूर बच्चे लोग क्या करेंगे, मैं बोल रहा हूँ इंस्ट्रक्टर को, मेरा स्टूडेंट मेरा इंस्ट में पढ़ रहा है, वो टाइम में क्या होता है, मेरा स्टूडेंट में पढ़ने का टाइम में क्लास अच्छा नहीं ले रहा है, बच्चे लोग अच्छे नहीं पढ़ेगा। सेम थिंग मेरा बच्ची एक कॉलेज में जाके कॉलेज में अच्छे नहीं क्लास ले रहा है, अच्छा क्लास ले रहा है, बिजी ऑनलाइन क्लास, मैं अच्छा क्लास नहीं ले रहा है, मैं बाहर जा रहा, मेरा बच्ची का टीचर अच्छा क्लास नहीं ले रहा है, वो टाइम कितना फीलिंग हो रहा है हमको, मेरा बेटी नहीं पढ़ रहा है, कॉलेज अच्छा नहीं, स्कूल अच्छा नहीं। सिमिलरली मेरा इंस्टीट्यूट अच्छा नहीं होगा, मैं फील होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड मॉरल फिलोसफी फॉर माई स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स आर माय बेटीज, उन लोग का लाइफ अच्छा होना चाहिए, उन लोग का अच्छा पढ़ना है, उनका अच्छा बाद में नौकरी मिलना चाहिए, कुछ अच्छे करना है, ये मेरा एथिक्स है, मॉरल्स है। ईच एंड एनी इंस्ट्रक्टर एवरी प्रिंसिपल ऐसे थिंक करना है, थिंक करेगा ऑटोमेटिकली में 300 अभी क्या कितना आईटी है 13,000 में आप सब लोग ऐसे थिंक करेंगे, हमारा जनरेशन चेंज हो जाएगा, सब लोग बच्चों का अच्छा स्कूल मिल जाएगा, अच्छे कॉलेज मिल जाएगा, एजुकेशन सिस्टम हाइक हो जाएगा, ये वाला एथिक्स आना चाहिए। हम कितना पैसे मिल रहे हैं, कितना सेडिश मिल रहे हैं, कैसे कर सकता है, ये वाला सेल्फिशनेस है, ये वाला ये प्रोफेशन में, टीचिंग प्रोफेशन में, एजुकेशन प्रोफेशन में नहीं आना चाहिए। एजुकेशन इज द भगवान, बिकॉज अभी मैं अच्छा पोजिशन में है बिकॉज ऑफ एजुकेशन। मैं एजुकेशन नहीं होगा, मैं विलेज में गांव में कुछ एग्रीकल्चर काम करता था अभी तक, क्या मैं फैमिली बैकग्राउंड ऐसे है। सो आप लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं, मॉरल फिलोसफी वाला का, मेरा 300 बच्चों लोग का अच्छा नौकरी देना पड़ेगा, मेरा 7 एक एक बैच में एक एक साल में ये थिंक करके जाइए, सब सक्सेस नहीं होता है, अपना 300 में एटलीस्ट 100 सक्सेस हो जाएगा ना, सेटिस्फेक्शन आता आपको, मॉरल बूस्टिंग आता है, ये पूरा आपको एथिक्स है। The term derived from the Greek word ethos, ethos Greek words में आया, मैं बोला Greek Roman, which means
सिस्टम हैबिट कैरेक्टर डिसकम्पोजिशन मेरा कैरेक्टर है मेरा पर्सनालिटी है मेरा हैबिट है ये वाला आपका एथिक्स से आता है मैं कैसे देखे प्रिंसिपल कदर सही मिलेगा कुछ पैसे मिलेगा इधर मिलेगा इधर मिलेगा ऐसा नहीं थिंक करना मेरा एजुकेशन में पहला एजुकेशन इसलिए मैं ये डिपार्टमेंट हूँ अदरवाइज मैं छोड़ के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत पहले जा सकता है 30 साल पहले मैं ये वाला एजुकेशन में इंटरेस्ट है टीचिंग में उनका बहुत बहुत इंटरेस्ट है सब लोग ऐसा थिंक करो एथिक्स से वाला बोलते हैं कैसे एथिक्स बूस्ट कर सकता है एथिक्स प्ले ए की रोल इन हेल्पिंग बिल्ड स्ट्रांग टीम्स फॉर फोस्टरिंग ए कल्चर प्रोफेशनलिज्म वर्क प्लेस दैट बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी ह्यूमन रिसोर्सेस सपोज आप लोग का टाटा कंपनी देखो जमशेदपुर में टाटा कंपनी में सब लोग वर्कर्स बहुत देश में काम करता है सिमिलर साउथ कंपनी साउथ में टीवीएस कंपनी बोल के कंपनी है टीवीएस सुजुकी टीवीएस कंपनी है ना वो लोग बहुत बहुत ये वाला है टाटा कंपनी जाके मैं आपका 2 लाख एक्स्ट्रा देंगे मेरे पास आइए बाहर आए वो नहीं आएगा एथिक्स काम करते हैं वो लोग टाटा में हॉट से काम करते हैं वो लोग सो सिमिलरली हमारा इंस्टीट्यूट में सब इंस्टीट्यूट में हॉट में काम करना है बिकॉज मैं सिंसियर काम कर सब मैं एक्सपेक्टेशन मैं अच्छा टीच कर रहा हूँ मेरा सब इंस्टेक्ट अच्छा टीच करना है मैं फोर्स कर रहा हूँ उनका क्लास लेके बोल के बच्चों लोग का हेल्प कर बोल के सो प्रोफेशनलिज्म टोटल की सो ये टोटल बूस्टिंग मैं ज्यादा 11 बजे आके ऐसे टाइम पास करके घर जाएंगे ना ये लोग ऐसे करेगा सो ये वाला पूरा एथिक्स में पूरा इंस्टीट्यूट पूरा ऑर्गेनाइजेशन चेंज होता है लाइक टाटा कंपनी टॉप टू बॉटम एथिक्स में काम करते हैं लोग टीवीएस कंपनी साउथ में And a lot of depends on the ethics and values that leadership demonstrate. आप लीडर कैसे करेंगे ethics, same thing आपका subordinate आपका student करता है मैं थोड़ा ऐसे टाइम पास करके ऐसे घूम के ऑफिस नहीं आके ऐसे बैठ के टाइम पूरा आके इंटरनेट देख करके ऐसा करेंगे ना मेरे फ्रेंड बोला हमको वह प्रिंसिपल क्या काम है डेली आपका वीडियो में देखना पड़ेगा सीसीटीवी क्या हो रहा है देखना पड़ेगा बस खत्म हो गया कर सकता है ना सो ऐसे करेंगे मेरा स्टूडेंट्स मेरा टीचर्स वो लोग क्या करता है प्रिंसिपल ऐसे बैठ रहा हम लोग क्या करेंगे यस आर नो सो ये वाला इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज एंड एथिक्स आर क्रिटिकल इन एनी टीम इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड क्लैरिटी व्हेन इट कम्स टू वैल्यूज एंड वर्क एथिक्स दैट मींस मेरे इंस्ट्रक्टर बोल रहा है आपका स्टूडेंट आपका बेटी थिंक लाइक दैट उनका पढ़ा दो मेरा बेटी कैसे डेवलप कर रहा है मेरा ओन बेटी कैसे मैं डेवलप करता है ऐसे एक डेवलप करना है ओके ऐसे करना है अभी टाइम हो गया क्लैरिटी होना चाहिए स्वॉट एनालिसिस अभी आ गया वेरी इंपॉर्टेंट ये स्वॉट एनालिसिस सेपरेट सब्जेक्ट है अभी आपका वीसीएस में है मैं ट्राई टू टाइम लगे में ले लेंगे स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स व्हाट इज योर स्ट्रेंथ व्हाट इज योर वीकनेस व्हाट इज अपॉर्चुनिटी व्हाट इज थ्रेट ये वाला आपको समझ में आना चाहिए पहला स्ट्रेंथ क्या है मेरा कम्युनिकेशन स्किल सब लोग को कम्युनिकेशन आप लोग स्ट्रेंथ होता है अब क्या मैं लास्ट में एक लड़की आया हमारे पास कुछ बच्चे लोग अच्छा बात करता है अच्छा मीन प्रेजेंटेशन करता है कुछ लोग बोल सकता है सी भी बोला आप बहुत अच्छे टैलेंटेड है ये लड़की टैलेंट नहीं है बट वो बोल सकता है हमको क्या है आप नहीं बोल सकते हैं मैं कैसे थिंक करेंगे सो कम्युनिकेशन स्किल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द वर्ल्ड कम्युनिकेशन स्किल जरूरत है अभी चाहिए अदरवाइज आप लोग का ज्यादा मिलेगा एकदम मैं टैलेंटेड है कैसे मालूम है आपका टैलेंट मेरा टैलेंट बोलो ना कैसे मालूम है मैं प्रेजेंट करना है आपको मैं एक्सप्लेन करना क्या है सेल्फ कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस होना चाहिए इफ सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा ओके हमको नौकरी मिलेगा नहीं मिलेगा डिफिकल्ट है पढ़ने का मुश्किल है नींद आ रहा है ये वाला नो कॉन्फिडेंस है फाइनेंशियल बैकग्राउंड कुछ लोग का फाइनेंस हमको फाइनेंस नहीं था अभी ठीक है फाइनेंशियल बैकग्राउंड में आता है नो बैड हैबिट्स ओके सो ये वाला स्ट्रेंथ बोलता है वीकनेस ओवर कॉन्फिडेंट ईजी है हम पास होता है नो प्रॉब्लम कितना है मैं भारत स्किल्स पढ़ेंगे ना 90% मिल जाएगा सीरियसनेस सीरियसनेस मीन्स अब बोलेगा वह वो क्या करता है टेंशन हो जाएगा सीरियस हो जाएगा टिट फॉर टैट वो हमको अटैक किया उनका मारेंगे हमको मारा उनको मारेंगे हमको बोला उनको बोलेंगे टिट फॉर टैट एंड जनरल नॉलेज ये वाला पूरा वीकनेस बोलता है अपॉर्चुनिटी वेरियस फ्रॉम सर्विस इंडस्ट्री टू आईटी फील्ड अभी देखो अपॉर्चुनिटी क्या है आईटी फील्ड में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है कंप्यूटर फील्ड में सर्विस सेक्टर में एग्जाम्पल सर्विस सेक्टर में ज्यादा है अभी
मैन्युफैक्चरिंग में और प्रोडक्शन में ज्यादा नहीं है, सर्विस सेक्टर में ज्यादा है। ठीक है, ये वाला आपके अभी अपॉर्चुनिटी क्या है। अभी हम लोग तो कोविड के बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं ना, कैसे कैसे मेडिकल फील्ड में ज्यादा अच्छा है, मेडिकल फील्ड, हॉस्पिटल्स, कंस्ट्रक्शन में और अंडर आर्किटेक्चर्स में, ये हम लोग थिंक कर रहे हैं। विलेज का, गाँव का क्या क्या है, एग्रीकल्चर में, ये वाला हम लोग कंसर्न कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज। देन थ्रेट्स, थ्रेट्स मीन्स क्या प्रॉब्लम है, ओवर कॉन्फिडेंस, अगेन टू मच प्लेफुल बिहेवियर, टाइम पास इंजॉय करता, ये वाला आपका थ्रेट्स है। मैं एग्जाम्पल देंगे आपको, क्रिकेट आईपीएल देख रहा है ना, आईपीएल देख रहे हैं, आपका न्यूज पेपर में आएगा एग्जाम्पल बेंगलुरु टीम, उनका क्या स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है। स्ट्रेंथ इज विराट कोहली, डी विलियर्स अच्छा, बहुत अच्छा बैट्समैन है। वीकनेस कह रहे हैं, बॉलर अच्छा बॉलर नहीं है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी क्या है, सपोज ये लोग का, सपोज डी विलियर्स कोहली अच्छा बैट करेंगे, बेंगलुरु इज नंबर वन टीम है। थ्रेट क्या है, इनकंसिस्टेंट, दैट मीन्स वो लोग एक दिन बाद करें बैट करेगा, एक दिन बाद बैट नहीं करेगा, इनकंसिस्टेंट। ये वाला सब जगह में आता है, हमका क्या स्ट्रेंथ हमका मालूम है, वीकनेस क्या है मालूम है, अपॉर्चुनिटी क्या है मालूम है, थ्रेट्स क्या मालूम है। स्ट्रेंथ इज में कम्युनिकेशन स्किल, मैं कम्युनिकेशन स्किल है, मैं कुछ में एक पेन से एक घंटा बात कर सकता है, भगवान दे दिया हमको। मेरा वीकनेस क्या है, समटाइम ओवर कॉन्फिडेंस है, समटाइम फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, समटाइम फैमिली मेरे साथ नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड पे बैंगलोर में है, ये वाला मेरा वीकनेस है। एंड अपॉर्चुनिटी क्या है, कुछ चांस मिलेगा मैं अंदर जाएंगे, कुछ चांस मिलेगा मैं देंगे। जो एग्जाम्पल देखो, कोविड टाइम में वीकनेस, बाहर से नहीं, घर से बाहर नहीं आ रहा है, मैं क्या किया, वीकनेस में अपॉर्चुनिटी कन्वर्ट कर दिया। ऐसे कर दिया, हमको हमारा डीडीजी लोग हमको हेल्प किया, बाबू क्लास ले लो ऐसे करो बोल के। ये वाला भी घर में बैठ के क्या करेंगे, कुछ क्लास लेंगे, ये अपॉर्चुनिटी ले लिया हमें, ये हमारा स्ट्रेंथ हो गया, अभी क्लास लेने के बाद में स्ट्रेंथ हो गया, वीकनेस आया। सिमिलरली मेरा बच्चों लोग बैठ के, उनका कुछ काम नहीं था, मैं टेंशन में था, बाद में मेरा डीजीडीजी दिल्ली से डीडीजी दो आठ डीजीजी बात करके स्विच करो बोला, ये वाला मास्क अभी मैं अपॉर्चुनिटी करके ये वाला उनका दे दी, बच्चों लोग दे दिया, वो लोग अभी स्ट्रेंथ कर दिया, ये स्ट्रेंथ हो गया उनका, उन लोग का मिनिस्टर से कुछ बच्चों लोग मिनिस्टर से लेटर मिल रहे हैं। सो ये वाला हम क्या करना है, यूटिलाइज करना है स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स व्हेन एवर रिक्वायर्ड, यूज करेंगे ना आप लोग का प्लस पॉइंट, आपका स्टेट बोर्ड जा सकते हैं। ये बड़ा चैप्टर है, मैं ज्यादा बात कर सकते हैं, मैं ट्राई करेंगे वीसीएस में कुछ क्लास लेने को टाइम बॉय मिलेगा, मैं ट्राई करेंगे। ठीक है, थैंक यू। नाउ इंटरव्यू, हाउ टू फेस इंटरव्यू आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं इंटरव्यू टेक्निक्स में एक क्लास ले लिया आपको, फिर भी एक बार रिविजन करेंगे। डिफरेंस बिटवीन बायोडाटा रिसीव एंड सीवी, ये क्या है बोलो, बायोडाटा रिसीव एंड करिकुलम बिटे। जनरली बायोडाटा का बोलता है जस्ट काले खत्म के बाद में क्या बोलता है, इन्फॉर्मेशन अबाउट एट्रीब्यूट, क्या क्या करता है, मैं क्वालिफिकेशन क्या है, मदर फादर क्या है, लैंग्वेज क्या है, और फोन नंबर मोबाइल नंबर, ये बायोडाटा बोलते हैं। रिसीव मीन्स वन वन बार टू पेजेस समरी, मैं क्या कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है। देन सीवी, करिकुलम वीटा इज मेन थिंग, ये वाला मेरा डिटेल्स एक्सप्लेनेशन ऑफ मेरा कैरेक्टर है, मैं क्या कर सकता है, मेरा एक्सपीरियंस क्या है, ये वाला मैं एग्जाम्पल देंगे। सी टेक्निक ऑफ राइटिंग गुड सीवी, ये सीवी में कैसे लिखेंगे आप लोग, टेक्निक्स, अच्छा टेक्निक्स, कॉमन पॉइंट्स टू बी कवर्ड इन द सीवी, कॉमन पॉइंट्स, एग्जाम्पल करिकुलम वीटा में क्या करना है, कॉमन पॉइंट्स मीन एग्जाम्पल कॉमन पॉइंट्स, अभी क्या होता है लैंग्वेजेस कॉमन पॉइंट है, हमका 5-6 लैंग्वेज सॉलिड बात कर सकते हैं, साउथ इंडिया 3 लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश बात सकता है, मेरा बेटी लोग दोनों में 6 लैंग्वेज बात करता है, ये लिखता है लैंग्वेज नोन 6 लैंग्वेजेस। देन सेकंड थिंग इज कॉमन पॉइंट्स, कॉमन मींस कम्युनिकेशन स्किल प्लस पॉइंट है, सो सेल्फ मोटिवेशन डेटेड, सेल्फ लर्निंग, ये वाला आप लोग लिख सकते हैं। बाद में प्रेजेंटेशन, कैसे आपको प्रेजेंटेशन करना सीवी करिकुलम बेटे, ज्यादा आदमी को मीन करिकुलम मालूम नहीं कैसे करेंगे, आपका प्लस पॉइंट ज्यादा मेंटेन करना, बोल्ड करना, डार्क में करना, कलरफुल देना, ये वाला आपका प्रेजेंटेशन बोलता है। देन स्टिक टू टू पेजेस ऑफ ए4 शीट, ए4 शीट में टू पेजेस, ज्यादा 15-20 नहीं होना चाहिए, दो पेज में आपका करना है। अंडरस्टैंड द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड प्रिपेयर द सीवी, सब मैं एक कंपनी जा रहा है, सॉफ्टवेयर कंपनी में जा रहा है, ये सॉफ्टवेयर में पैथन चाहिए, मैं लिख रहा हूं पैथन हमको मालूम है, पैथन में क्या क्या किया, पैथन में मैं क्या प्रोजेक्ट किया, पैथन में वेब डिजाइन क्या किया, ये उधर में लिखना पड़ेगा। मैं जा रहा है दूसरा कंपनी एग्जाम्पल सेल्स में जा रहा है, पैथन का सेल्स से जरूरत नहीं है, पैथन सेल्स में क्या करना है, मेरा एमबीए चाहिए, मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स, मैं मेरा एक्सपीरियंस, ये वाला उधर लिख देना है। देखो आपका समझ में आएगा ना। सिमिलर टेलर द सीवी टू द रोल, मैं क्या जॉब रोल में जा रहा है, वो टाइम मेरा सीवी उसका रेफरेंस होना चाहिए। ओके,
इंक्लूड एनी मेकिंग द मोस्ट ऑफ स्किल्स दैट मींस ज्यादा स्किल्स क्या क्या मालूम है, ज्यादा स्किल्स नॉट जनरल उधर आपको लिखना पड़ेगा. इंक्लूड एनीथिंग दैट शोस हाउ डाइवर्स दैट मींस आप डिफरेंट कैसे हैं. एग्जाम्पल चलो बोलेगा प्लेइंग कबड्डी, प्लेइंग बैडमिंटन, वॉचिंग टीवी, लिसनिंग म्यूजिक, ये वाला इधर नहीं लिखना है, ये वाला अच्छा नहीं है. क्या करना है एग्जाम्पल, आई गॉट अ नेशनल अवार्ड, आई गॉट अ नेशनल सर्टिफिकेट, आई गॉट एनसीसी सर्टिफिकेट, एनएसएस सर्टिफिकेट, आई प्लेड फॉर डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल, प्लेड डिस्ट्रिक्ट क्या बोलता है लीग क्रिकेट, ये वाला पूरा आप लिख सकते हैं. सक्सेस स्टोरीज नॉट जस्ट लाइक ऐसा प्लेइंग कैरम बोर्ड, प्लेइंग हॉबीज, रीडिंग बुक, रीडिंग मोबाइल, ऐसा नहीं देखना है. ओके, मोस्ट ऑफ एक्सपीरियंस आपको एक्सपीरियंस लिखना है, कितना साल एक्सपीरियंस है, क्या किया लिखना है. मैं एक दिखाएंगे आपको. इंक्लूड रेफरेंस, मेरा स्टूडेंट सब लोग का बोल रहा है, मैं एनएसटे इंडोर को सब बच्चे लोग का रेफरेंस मेरा नाम ले लो, नो प्रॉब्लम. मेरा स्टूडेंट्स को मैं रेफरेंस देंगे. इफ आई डोंट गिव रेफरेंस टू माई स्टूडेंट्स, हू विल गिव टू देम? यस, रेफरेंस मीन्स बाबू वी बाबू डिप्टी डायरेक्टर उनका बाबा बन रखा है प्रिंसिपल, नंबर देंगे, मैं देंगे, नो प्रॉब्लम. कुछ कितना बच्चों लोग का नौकरी मिल गया बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर में, मेरा स्टूडेंट मीन्स मेरा स्टूडेंट नहीं है, शॉर्ट टर्म कोर्सेस इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, मैं रेफरेंस दे दिया उनको. वो फोन करते हैं जैसे लड़का अच्छा है, लड़की अच्छा है, अच्छे करते हैं, बोलेगा वो गवर्नमेंट ऑफिसर, क्लास वन ऑफिसर, हम लोग बोलेंगे वो लोग का नहीं अच्छा अच्छे से होता है. रेफरेंस चाहिए आपको, लेना पड़ेगा. कीप योर सीयर सीवी अपडेट, अपडेट मीन्स मेरा सीवी अभी अपडेट नहीं है, इंडोर खानाबाद में नहीं लिया, मैं अपडेट करेंगे अभी, ठीक है. ये वाला पर आप कैसे सीवी करेंगे, ठीक है. नाउ लेट अस सी एक एग्जांपल, टाइम हो रहा है फिर भी मैं कर सकता है. मैं आज थोड़ा फास्ट चल रहा है, प्लीज डोंट माइंड. देखो ये वाला मेरा सीवी, मेरा सीवी है. तो क्या है इधर में, ये बेंगलुरु का है, अभी अपडेट नहीं किया, सॉरी मैं अपडेट बोलना मैंने किया. डेट ऑफ बर्थ ये सरकार के लिए भी कर दिया. क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ मेड्रास एंड एनटीसी कोपा, किधर गया, सिटी ऑफ मेड्रास गया. देन ये काम क्या गया, डाटा पर्सनल असिस्टेंट्स, ये निमी में काम किया, कितना डेट टू डेट, ये डेट से ये डेट काम किया. उधर में क्या कर दिया, क्या एक्सपीरियंस, मैं बुक बना दिया इधर लिखा, सिमिलर असिस्टेंट डायरेक्टर सी एस टारे, ये साल से इस साल क्या किया, करिकुलम डेवलप किया, प्रोजेक्ट्स ले लिया, ज्यादा प्रोजेक्ट्स डिजाइन मेंटेन्स, वेबसाइट ऑफ वेबसाइट मेंटेन किया, फैकल्टी इन मैनेजमेंट फील्ड एंड अदर फील्ड फैकल्टी दे दिया. असिस्टेंट डायरेक्टर बेंगलुरु में क्या किया, ये साल से ये साल करिकुलम डेवलप किया, ज्यादा करिकुलम, कोऑर्डिनेटर ऑफ ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए सीओई बोलते बोला. बाद में क्या क्या वेब डिजाइन किया, क्या क्या क्लास ले लिया, एडमिनिस्ट्रेशन क्या किया. देन बाद में डिप्टी डायरेक्टर दिल्ली में क्या क्या किया, बाद में बेंगलुरु वापस आकर क्या क्या किया, प्लस सबका एक अवार्ड मिल गया, अभी अवार्ड अभी आया, ये अवार्ड, एक सर्टिफिकेट, एक फॉरेन टूर मिल गया. ये वाला हम लोग कैसे लिख रहे हैं, ज्यादा नहीं है, दो पेज में खत्म होना चाहिए, डिक्लेरेशन होना चाहिए. सो मैं टेबल कार्ड में लिख सकता है और बोल्ड में लिख सकता है, कितने काम किया, क्या काम किया, क्या अचीव्ड, सक्सेस स्टोरीज क्या है. सिंपली मैं ये काम किया ऐसा नहीं, सक्सेस लास्ट टू ईयर्स 500 टेनिस में किया, 500 प्लस टेनिस इन बेंगलुरु, मेरा एसीआर 8 प्लस है लास्ट 3-4 ईयर्स. एग्जाम्पल मैं हमका अभी हमका नेशनल अवार्ड मिल गया, दिल्ली में हमका सेक्रेटरी हमका अवार्ड दे दिया, और हमका फॉरेन टूर मिल गया, मैं फॉरेन में आईएलओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग करके आया. सो ये वाला आपका प्लस पॉइंट लिखना पड़ेगा एक्सपीरियंस में, ठीक है ना. नाउ सॉरी टुडे माय क्लास इज वेरी फास्ट, प्लीज डोंट माइंड, बिकॉज ये सिलेबस कवर करने का ज्यादा पार्ट वन पार्ट टू लेंगे अच्छा नहीं लगता हमको, इसलिए हमका थोड़ा फास्ट ले लिया. Now we can talk now. You can ask Vandana Sharma. Unmute karo. Vandana Sharma unmute karo. Anvi unmute karo. Nagendra unmute karo. Ye number aaya kuch number. Ah, Nagendra bolo. Nagendra ji bolo. Unmute ho gaya bolo Nagendra ji. सौन एक मिनट मेरा प्रॉब्लम मैं माइक काटने गया. ओके बोलो नागेंद्र जी, सौन नहीं आ रहे हैं. नागेंद्र जी आपके ऑडियो का प्रॉब्लम है, जरा चेक कीजिए. ओके नेक्स्ट अनवी अनम्यूट करो. सर सीआईटीएस की एग्जाम कब तक होंगे? एग्जाम ये वाला क्वेश्चन है, ये सब्जेक्ट पे क्वेश्चन बोलो ना, ये गवर्नमेंट पॉलिसी में क्या करेंगे, सब्जेक्ट पे क्वेश्चन बोला मैं देंगे, अदरवाइज पर्सनल मैसेज दे दो, मैं आपका हेल्प करेंगे.
ये वाला सब लोग का गवर्नमेंट पॉलिसी गवर्नमेंट का बोले समझ में आता है, पर्सनल में जो मैं आपको अप्लाई करता है, ये वाला सब्जेक्ट पे बात बात करो ना। दूसरा नागेंद्र रेडी, शिवानी शुक्ला, शिवानी कुशवा, हाँ शिवानी बोलो। स्वेट एनालिसिस रिपीट कर दो थोड़ा सा। क्या क्या? स्वेट एनालिसिस समझ में आ रहा है? स्वेट एनालिसिस एक्सप्लेन कर दो वापस से। मैं आपका मैसेज दे दो, आपका मैसेज आवाज नहीं आ रहा है, क्लीन नहीं आ रहा है, आपका आवाज क्लीन नहीं आ रहा है, आपको मैसेज दे दो हमको व्हाट्सएप में, बिन इधर में एसएमएस करो। धन सिंह बोलो, धनिश, धनिश हां यस सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, प्लीज टेल मी अबाउट अ रोल ऑफ मेंटर ना। सी मेंटर मींस एग्जांपल मैं बोला ना, दो तीन आदमी हमारे मेंटर हैं, एग्जांपल परियार सर, चुग सर एंड लाइवी सर, वो लोग का मैं थिंक करने के टाइम में मैं सपोर्ट डायरेक्टर बना दो, जॉइंट डायरेक्टर आना दो, प्रिंसिपल आना दो, वो लोग कैसे किया ऐसे करना है हमें। पॉलिटिकल लीडर्स सपोज यू मे लाइक प्राइम मिनिस्टर, सो प्राइम मिनिस्टर में वो कैसे कर रहे हैं, लाइफ लॉन्ग गांधी जी ये रोल मॉडल, ये वाला रोल मॉडल बोलते हैं हम लोग को, रजनीकांत। सो ये लोग कैसे कैसे हेल्प कर रहे हैं पीपल को, वो वाला आपका थिंक करेगा। सो वो वाला आपका डायरेक्ट लिंक है, डायरेक्ट नहीं लिंक, एग्जाम्पल मेरे ग्रैंड फादर, मेरा पापा, मेरा ब्रदर, वो लोग आपका मेंटर होता है। मैं बोला ना एकलव्य द्रोणाचार्य, लाइक द डायरेक्टली और डायरेक्ट वो पर्सनली एंड इवन असम्पशन आल्सो थिंक करके आप लोग कर सकते हैं मेंटर। काउंसलर मीन्स आपका एक प्रॉब्लम आया, आपका नौकरी नहीं मिल रहा है, मेरे पास काउंसिल कर सकते हैं भाई, इधर एसएससी करो, यूपीएससी करो, रेलवे करो, ये हम लोग हेल्प कर सकते हैं, ये वाला काउंसलिंग, ये मेंटरिंग है। ठीक है, ओके सर, ओके। नाउ शर्मा कौन है उनका? हिंदी में गुड मॉर्निंग सर। सर शॉर्ट एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा सर बता दीजिए फिर से। शॉर्ट एनालिसिस? यस सर। स्वॉट? हाँ यस सर, स्वॉट। वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट, दैट मींस मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरा स्ट्रेंथ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स है, मेरा स्ट्रेंथ टीचिंग है, मेरा स्ट्रेंथ में I don't never fear, मैं आप डर का नहीं डरता है, मैं ऐसे जाएंगे किधर जाएंगे। नेक्स्ट वन इज मैं फिटनेस है, मैं अच्छा फिटनेस है, अच्छा मेंटेन करता हूँ बॉडी, साइकिलिंग और जिम और थिंग, प्लस मेरा ये वाला मैं प्लस पॉइंट्स मीन स्ट्रेंथ है। मेरा वीकनेस क्या है, फाइनेंशियल वीकनेस है, फैमिली में, फैमिली बेंगलुरु में अकेला हूँ इधर में, एंड मेरा वीकनेस है ज़्यादा मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डायरेक्ट अटैक करता हूँ कुछ लोग को, कुछ लोग एग्जाम मेरा वासा सा, बड़ा बड़ा वासा सा आईडिया करेंगे। सर सर जब डायरेक्ट अटैक जैसे आप बोल रहे हैं तो डायरेक्ट जैसे कम्युनिकेशन में तो कभी कभी सर कुछ मतलब गलत वर्ड भी यूज हो जाते हैं सर, तो उसके लिए सर ड्रॉबैक है ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ दैट्स व्हाई कम्युनिकेशन में बोला मैं बॉसेस को बात करने का कैसे बात करना है, पुलिस को बात करने का कैसे बात करना, ट्रांजैक्शन एनालिसिस कम्युनिकेशन बोला मैं, ये वाला आपका फिल्टर करना है, तो इधर में आपका वीकनेस है ज्यादा। सेकंड थिंग मेरा वीकनेस हिंदी, मैं हिंदी में ज्यादा क्लियर नहीं है, ये वीकनेस है। देन अपॉर्चुनिटी मीन्स हमको कुछ चांस मिलेगा अंदर जाएंगे, सपोज एग्जांपल कोविड में चांस, मैं एक पास ले लिया इमरजेंसी कर्फ्यू पास, मैं डेली आईटीआई कर रहा हूँ, मैं बच्चों लोग का कुछ लेके बच्चों लोग मोटिवेट करके वो लोग मास्क बना दिया, एंड मैं अपॉर्चुनिटी लेके मैं आपका क्लास ले रहा हूँ, ये अपॉर्चुनिटी है। थ्रेट क्या है, हमका थ्रेट है टुमारो आई मे गेट ट्रांसफर टू यूनिवर्सिटी, मैं अभी चाहे चांस हो गया हमको, मैं कितना अच्छा करके कुछ लोग को नहीं नहीं मीन पसंद नहीं होता है, अच्छा नहीं किया पसंद नहीं होता है, ज्यादा इंप्रूवमेंट करेगा कुछ लोग को बोलेगा ये बाबू ज्यादा कर रहा है तू चार सौ करो उनको, ये हमारा थ्रेट है, सरकार में थ्रेट होता है वाला, ये वाला चार एग्जांपल आपको। थ्रेट मींस एक्चुअल मीनिंग क्या है सर थ्रेट का? थ्रेट मींस आई मीन डेंजर, डेंजर। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच। आपका आज का नौकरी जा सकता है, और जब मैं ज्यादा बात कर रहा बॉस को क्या होता है हमका ट्रांस करेगा, जाइए आप अन्ना मान जाइए, और अभी कश्मीर में जम्मू में स्थित कर दिया उधर जाइए बोलता है बस। यस ओके, थैंक यू सो मच सर। सालू सक्सेना? हाँ जी। हाँ वैष्णवी, ओके सालू का बाद में आएगा, अनम्यूट करो। हाँ बोलो बोलो सालू। ग्रीवेंस के बारे में जानना सर, ग्रीवेंस क्या क्या? ग्रीवेंस, ग्रीवेंस मींस आपका प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है अभी सर? हमका मोबाइल प्रॉब्लम आ रहा है, मैं मोबाइल में क्लास नहीं ले रहा है, सो कुछ लड़के लोग सुसाइड कर दिया केरला में, ऑनलाइन क्लास में अटेंड नहीं कर सकते, मेरे पास इंटरनेट नहीं है, मेरे पास इंटरनेट नहीं आ रहा है, ये आप ग्रीवेंसेस है, मैं बोल रहा हूँ आप अटेंड करना है अदरवाइज मैं फील करूंगा, आपके ग्रीवेंसेस है, आप ट्रू बोल रहे हैं, आप विलेज में है नेटवर्क नहीं आ रहा है, वो हमको समझ में आना चाहिए,
यस आपका प्रॉब्लम आ रहा है, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं, ठीक है बेटे आप लोग प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपका मार्क देंगे। रियल सम पीपल घर में आके सो रहा है, मोबाइल है, इंटरनेट है, वो सो रहा है, बोलेगा मेरा मोबाइल काम नहीं कर रहा है, हमको मालूम होना चाहिए क्या अच्छा कर रहा है, झूठ बोल रहा है। ये ग्रीवेंस ग्रीवेंस आता है, ये ग्रीवेंस लेके मैडम का बोले मैडम देखो वो लड़की किधर से आ रहा है, उनका मोबाइल किधर मोबाइल है, उनका क्या एक मोबाइल बोला लड़की बोला उनका मोबाइल काम नहीं कर रहा है और डेली चैट कर रहा है, हमें फोन करने टाइम में एक घंटा बाद गया वो फोन में, ठीक है ना। हम लोग का ओरिजिनल ग्रीवेंस देखना पड़ेगा, करेक्ट फैक्ट है, ग्रीवेंस ये वाला है, ये पूरा हमको मिल जाएगा। मेन मतलब इसका मेन पॉइंट क्या हुई, लाइन क्या हुई ग्रीवेंस का, मतलब मेन लाइन क्या होती है? जैसे मैं सपोज आप लोग का प्रॉब्लम में एग्जाम आपका आईडीए में प्रॉब्लम आ रहा है, एग्जाम मेरे पास आके सर मेरा क्लास नहीं हो रहा है, मेरा टीचर क्लास नहीं ले रहा है, मैं आपका ग्रीवेंस से मैं सॉल्व करना है ना प्रिंसिपल, मैं बोल के ठीक है जाए जाए बोले क्या होता है, आप कंप्लेन करते हैं बाहर जाके, यस सर मैं सॉल्व करना आपका प्रॉब्लम में सॉल्व करना है प्रिंसिपल एज ए टीचर सॉल्व करना है, यस सर एज ए प्रिंसिपल एज ए ह्यूमन बींग सॉल्व करना है। ओके सर एक पॉइंट हो रहा है, एक इथिक्स नाम से पॉइंट है, उसके बारे में जानना है सर। इथिक्स मींस आपका सी मैं बोला ना, इथिक्स मींस मेरा बचपन से मोरल, बचपन से मैं पूर फैमिली से आया, पूर बच्चों लग देखने का हमका खाना का इंपॉर्टेंट है, बहुत बार मैं खाना खाया, बहुत बार मेरा शर्ट पैंट सेकंड हैंड ले लिया, मेरा पापा लेके आता है हॉस्टल वार्डन था लेके आता है, बहुत बार अभी तक मैं खाना 100% रात का खाना खाता है, ये पॉवर्टी ये वाला मैं करना है, मैं कुछ आदमी को पूरा आदमी देखने को ये मैं अभी ठीक हो गया, कैसे हो गया एजुकेशन, सो सब लोग का एजुकेशन अच्छा आना चाहिए, इसलिए मैं टीचर हूँ, इसलिए मैं टीचिंग कर रहा हूँ, मेरा स्टूडेंट सब लोग को अच्छा लेसन करना है, अच्छा नौकरी मिलना है, उनका कैरियर डेवलप करना है, ये मेरा एथिक्स है, ये मैं चेंज नहीं करेंगे। सिमिलरली करप्शन, आप 1 करोड़ रुपये दे दो 10 करोड़ रुपये दो मैं पैसा नहीं लेंगे, मेरा एथिक्स है बचपन से आया वो, ये आपका मॉरल्स एथिक्स, मॉरल्स MORAL एथिक्स, मैं पैसा नहीं लेंगे, मैं सब लोग हेल्प करेंगे, मैं झूठ नहीं बोलेंगे, मैं कुछ आदमी को नहीं मारेंगे, ये वाला आपका एथिक्स बोलता है। ओके ओके थैंक यू सर। नेक्स्ट है वैष्णवी, अनम्यूट करो, सॉरी सॉरी म्यूट कर देना वैष्णवी, अनम्यूट करो, म्यूट कर देना। हां बोलो, आवाज आ रही है आपको? हां ओके ओके ठीक है ठीक है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, आई प्रिपेयर्ड माय सीवी, मे आई सेंड यू? प्लीज सेंड टू मी इन माय दिस वन व्हाट्सएप, आई विल चेक इट। हां हां, कैन यू गाइड मी अबाउट दैट, व्हाट टू ऐड मोर इन दैट? प्लीज सेंड टू व्हाट्सएप, आई विल रिप्लाई टू, आई विल चेक एंड रिप्लाई टू, नो प्रॉब्लम। ओके सर, थैंक यू। विद दिस नंबर हां बोलो, अविनाश, अविनाश बोलो भैया, टाइम हो गया 2-3 मिनट में खत्म करना, 12 बजे दूसरा क्लास है। अविनाश जी, अविनाश आप अनम्यूट करो, अनम्यूटिंग बात करो, जल्दी बात करो, टाइम हो गया। सो प्लीज सेंड मी इफ आप लोग का डाउट होगा, मेरा मैं व्हाट्सएप में दे दो, मैं आपका रिप्लाई। हेलो सर। हाँ बोलो बोलो अविनाश। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। ये बोलो सर, कम्युनिकेशन बैरिकेड्स में एक होता है 6W1H, सर उसके बारे में बता दीजिए। 5W1H, मैं 6 ने भी बोला। हाँ, कम्युनिकेशन 5W1H, 6 नहीं बोला मैं, ये गलत है वाला। व्हाट इज द मैसेज, मैं क्या बात कर रहा है, व्हाट इज द सब्जेक्ट, व्हाई दिस मैसेज रिक्वायर्ड, क्यों चाहिए, क्यों मैं बात करना है उधर जाके, कौन बात करना है, कौन का बात करना है, हु whom, कब बात करना है, why message, what is the message, why the message required, who is the sender, who is the receiver, okay, so when, kab karna hai, and one h is kaise karna hai, why, ye where nahi aa raha, where dusra mein aayega, ye 5 w1h hai, main communication class mein le liya aapko, aapka whatsapp de do, main aapko explain karenge, detail karenge, main aapka ppt bhej diya aapko, main sir एच जो है, एच का मतलब वो होगा सर, अरे हाउ होगा सर? यस सर, एच का मतलब हाउ होगा सर ना? यस मींस एच मींस हाउ, हाउ कैसे कर रहा है आपको, कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि कम्युनिकेशन लग बोल रहा है, मैं कैसे कम्युनिकेट करेंगे, मैं वीडियो में करेंगे, ऑडियो में करेंगे, और एक फोटो देके बुलाएंगे, और इंग्लिश में बात करेंगे, हिंदी में बात करेंगे, ऐसा प्रणाम करके बात करेंगे, ऐसा पकड़ के बात करेंगे, डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन, यही होता है ना, मेरा बॉस को ऐसे बात करता है, मेरा बेटी को ऐसे बात करता है, देखो ना पुलिस को ऐसे बात करता है, ये वाला कैसे बात कर रहा, हाउ, ठीक है, एनी डाउट? थैंक यू सर। सर सर बूस्टेप के बारे में बता दीजिए। एक क्वेश्चन और था सर, ये बोलो बोलो जल्दी बोलो। हाँ बोलो,
हां बोलो बूस्ट बूस्ट यस सर बूस्ट एग्जांपल अभी एग्जांपल यस जी अभी मेरा सेल्फ बूस्टिंग क्या है मैं आपका पहला स्टार्ट शुरू कर दिया मिस्टर राबिता 300 बच्चे लोग ऑलमोस्ट 50 बच्चे लोग बाहर में उनका वेकेंट नहीं मिल रहा है 10-15 क्लासेस 300 प्लस है हमका इंटरेस्ट आ गया क्लास लेने को सपोज पहले आप लोग का क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं बोले चार बच्चे लोग पांच बजे करेंगे ना मैं बंद कर सकता है मैं डिमोटिवेट हो जाएगा बाद में पीएचपी में क्लास ले लिया पहले पीएचपी 190-200 था लास्ट पीएचपी ओनली 20 स्टूडेंट्स था मे बी लंच के बाद में ओनली 23 स्टूडेंट्स मैं पीएचपी बंद कर दिया सभी सब बच्चे लोग बोल रहा था फिर भी पीएचपी क्लास ले बोल रहा है मैं नहीं ले रहा है बिकॉज 23 आएगा मैं टेंशन आ गया 20 बच्चे लोग हमारा और स्टूडेंट नहीं अटेंड किया मेरा सीएसए स्टूडेंट अटेंड नहीं किया टेंशन आया हमको बंद कर दिया डिमोटिवेट फर्स्ट बूस्टिंग 300 बच्चे लोग 10 कंटिन्यूस क्लासेस सब लोग बोल रहे सब बहुत कॉन्फिडेंस आ गया डेली बुक पढ़ के टेंशन पढ़ के क्लास इंटरेस्ट में ले लिया पीच में बंद हो गया तो सेल्फ बूस्टिंग है पहले वाला सेकेंड थिंग बूस्टिंग नहीं था हमारा ठीक है ना ओके आप लोग का टाइम हो गया आप लोग का कुछ डाउट होगा आपका मैसेज दे दो व्हाट्सएप में रिप्लाई जाता है ओके वंदना शर्मा बाबू आओगे ना अभी रही क्या जल्दी अभी हाँ बोलो Thank you very much. Thank you all.